रूट कॉज एनालिसिस, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडस्ट्री के अंदर, या हर कोई जानना चाहता है समस्या आई है तो रूट कॉज क्या है। ओके, मैं बिल कहता हूं जब जब समस्या आए रूट कॉज ढूंढने की बिल्कुल कोशिश ना करें। क्या है रूट कॉज ढूंढने की कोशिश ना करें? यस, रूट कॉज ढूंढने की बिल्कुल कोशिश ना करें, रूट कॉजेस ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मली रूट कॉज अकेला नहीं होता। तो रूट कॉज ना ढूंढे, रूट कॉजेस ढूंढे। ओके फाइन, बोले ओके। इससे आगे एक और चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहा हूं मैं। रूट कॉजेस की तीन क्वालिफिकेशन होती हैं। क्या? नंबर वन, इट मस्ट बी रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम। अगर ये रेलेवेंट नहीं है, मेरे शॉप फ्लोर पे मेटेरियल रस्टी हो गया, स्टील पार्ट्स गॉट रस्टेड, एंड यू टेल मी आई एम लोकेटेड इन दिल्ली एंड यू टेल मी देयर इज अ वेरी हैवी रेन इन कोलकाता, माय फ्रेंड्स सॉरी, इट्स नॉट रिलेटेड, या इट्स नॉट रेलेवेंट। फर्स्ट, इट हैज टू बी रेलेवेंट, देन इट मस्ट बी कंट्रोलेबल। मेटेरियल गॉट रस्टेड, सर क्या करें, बारिश बहुत जोर की आई थी, बारिश बहुत जोर की आई थी, शेड के अंदर रखना था, रस्ट प्रिवेंटिव लगाना था, बारिश पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या बारिश पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है? मैं इंद्रदेव को नहीं समझा सकता कि कब बारिश करो कब ना करो। So, बारिश जो है वो रूट कॉज नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोलेबल नहीं है। हाँ, मैंने मटेरियल को शेड में नहीं रखा, रस प्रिवेंटिव नहीं लगाया, तो वो रूट कॉज डेफिनेटली है। तीसरा, इट मस्ट बी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस जांचने का मैथमेटिकल टूल होता है जो हम रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा निकालते हैं। वी नीड मैथमेटिकल डाटा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं, बट कॉमन सेंस से भी सिग्निफिकेंस निकाली जा सकती है, या एटलीस्ट जज की जा सकती है सिग्निफिकेंस। व्हाट डू यू मीन सर? मटेरियल यू रस्टी हो गया ना, टी टाइम में बहुत सारे लोग 25-30 लोग वहां बैठ के चाय पीते हैं, तो ब्रीदिंग होती है, मॉइस्चर बढ़ जाती है हवा में, इसलिए रस्टी हो गया। सॉरी, इफ आई टेक द मॉइस्चर काउंट, इफ आई गो फॉर ह्यूमिडिटी लेवल, there's hardly any difference. So, this is not significant. Hence, it's not a root cause. So, three things. It has to be relevant. Second, it has to be controllable. Third, it has to be significant. Okay. As I told you, problem can have multiple root causes. My friends, going further, there are at least 20 tools for finding out root causes. लेकिन जो इंडियन इंजीनियर्स हैं, somehow दे आर obsessed विद why एनालिसिस। Americans ऑन द अदर हैंड, दे आर obsessed विद hypothesis टेस्टिंग। अब why एनालिसिस प्योरली ऑब्जर्वेशन driven, hypothesis टेस्टिंग इज प्योरली डेटा driven। Unless or until you can hypothesize a problem in a proper manner, you can't do hypothesis testing. And for this, you have to be a very good statistician, which normally people are not. So, dekha jaye to, standalone basis pe, na to hypothesis testing ek perfect method hai, aur na hi why analysis. To kya karein? We have to take help of other many tools, like all the 7 QC tools, special root cause analysis, jo main bahut detail mein logo ko batata hun. Yeah, come and join my session sometime, you'll really enjoy. Yeah, we're going to extreme depth of these tools. Okay, you need a good mix of empirical and analytical tools for proper root cause analysis. Okay, now let me talk a bit about 5 Y's analysis also. 5 Y analysis, jab main dekhta hun industry ke andar, ya Y analysis, whatever you call, this is one and the same thing. पहला तो लोगों को डाउट होता है कि यार एग्जैक्टली है क्या सर, क्या 5 Y से ज्यादा नहीं जा सकते सर? मुझे तो दूसरी Y पे ही रूट कॉज मिल गया,
अब ये ऐसा जवाब देने वाले जो होते हैं ना, वो मेरे बच्चों की एज के होते हैं, तो मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ, मन मन सोचता हूँ चल इसे सिर पे रख के नाच, क्योंकि इसे होने वाला कुछ नहीं है, तेरी एनालिसिस कंप्लीट नहीं है। इट्स नॉट ए गुड आंसर सर, प्लीज इफ यू वॉन्ट प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस एटलीस्ट गो टू 4। इफ प्रॉब्लम इज मोर कॉम्प्लेक्स यू कैन गो टू 6 or 7 ऑल्सो। लेकिन क्या वाई वाई एनालिसिस हम लीनियर करें? नो, इट हैज टू बी 2-leg वाई वाई एनालिसिस, एक अकरेंस, दूसरा डिटेक्शन। या इंडिया और जापान में अकरेंस और डिटेक्शन की बात होती है, बट इफ योर कस्टमर हैपन्स टू बी अमेरिकन, अकरेंस डिटेक्शन के साथ आपको सिस्टेमिक भी करना होगा। सिस्टेमिक, मेरा FMEA कहां फेल हो गया? Why did my FMEA permitted? Occurrence, detection, systemic. ये तीन चलते हैं अमेरिका के अंदर। Americans are much more demanding, but Indians and Japanese are comfortable with occurrence and detection. Why did it occur? Second, detection. मेरी फैक्ट्री में क्यों नहीं पकड़ा गया? कस्टमर एंड तक क्यों गया? क्या कंट्रोल फेल हुए? Occurrence, डिटेक्शन, ओके। और एक बड़ी प्रॉब्लम है वाई वाई एनालिसिस के साथ जो हम इंडिया में कर रहे हैं, लीनियर, एक वाई का एक जवाब, एक वाई का एक जवाब, एक वाई का एक जवाब, दैट्स नॉट ए गुड मैथड। प्लीज डू योर वाई वाई एनालिसिस इन टेबुलेटेड मैनर, टेक हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या रोज एंड कॉलम्स का इस्तेमाल कीजिए। और अगर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल आंसर्स निकल रहे हैं, निकलने दीजिए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड देयर एट लीस्ट 3 to 4 to 5 रूट कॉजेस फॉर ए सिंगल प्रॉब्लम, जो अदरवाइज लीनियर वाई वाई एनालिसिस में नहीं आ पाते, या नहीं आ पाते, राइट? एंड क्या करें, कितने वाई तक जाएं? 5 के बाद भी 6, 7, 8, 9, 10 रुकें कहां पर? या रुकें कहां पर? 100 तक चले जाएं? बिल्कुल नहीं। स्टॉप आस्किंग व्हाई इफ योर कॉमन सेंस सेज यू हैव रीच्ड ए कंट्रोलेबल स्टेप ऑफ ए प्रोसेस, राइट? फर्स्ट पी इज प्रोसेस, सेकंड पी पॉलिसी। ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर कॉल्ड पॉलिसी, प्रोसेस, पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज पर्सन। अब पर्सन के ऊपर इंडियन इंजीनियर्स को फिर से कष्ट है, बोले नो 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 नो, ऑपरेटर के ऊपर नहीं लिखना, सुपरवाइजर पे नहीं लिखना। व्हाई? ऑपरेटर ट्रेनिंग कुड बी अ वैलिड कॉज, ऑपरेटर ओवरलोड कुड बी अ वैलिड कॉज, डिस्ट्रैक्शन कुड बी अ वैलिड कॉज, व्हाट अबाउट दिस? दे आर वैलिड कॉजेज। सो प्रोसेस, पॉलिसी और पर्सन, या यूज योर कॉमन सेंस बिकॉज प्योरली ऑब्जर्वेशन ड्रिवन टूल। लेट द मल्टी ब्रांचिंग हैपन, यू कैन हैंडल मल्टी ब्रांचिंग। मल्टी ब्रांचिंग मीन्स एक वाई के मल्टीपल आंसर्स, यू कैन डू इट थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में रो इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, कॉलम इंसर्ट करना, कॉलम डिलीट करना बहुत आसान है। डू डैट थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्लीज डू नॉट डू इन वर्ड और पावर पॉइंट, बिल्कुल मत कीजिए। टेक हेल्प ऑफ एक्सेल एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू वेरी गुड वाई वाई analysis. Yeah, and if you need my help, fine, we are available. Thank you.